morning students, welcome back to your English class. Today we are going to study your chapter 8, that is the tree runners. हम आज आपका chapter 8 पढ़ेंगे जो क्या है the tree runners. तो read करते हैं. In the days when the white people ruled South Africa, there were different rulers for the white people and the colored people then. यानी पहले के time पे जब South Africa में white people rule करते थे, यानी South Africa के लोग कैसे होते हैं, या तो बिल्कुल जैसे हम हैं, हम मिक्स कलर के, पर साउथ अफ्रीका में कैसे पीपल होते हैं, या तो बिल्कुल डार्क कलर के या फिर बिल्कुल वाइट. तो जो साउथ अफ्रीका है, जनरली साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ब्लैक्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वाइट पीपल का रूल चलता था पहले. तो वहाँ क्या था, जो वाइट पीपल थे उन पे अलग रूलर्स थे, जैसे हमारे पास सारे एक रूलर्स हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर एक है, हमारा प्रेसिडेंट एक है, चाहे हम फेयर कलर्ड हो या डार्क कलर्ड हो. बट उस टाइम साउथ अफ्रीका में क्या था, जो व्हाइट पीपल थे उनके रूलर्स अलग थे और जो डार्क पीपल थे उनके रूलर्स अलग थे. वन डे टू मिडिल एज ब्लैक मैन मेट इन अ व्हाइट्स ओनली सेक्शन ऑफ जोहान्सबर्ग. एक दिन क्या हुआ, दो कौन थे, ब्लैक कलर के पीपल थे, वो कहाँ पे मिले, व्हाइट सेक्शन, यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ व्हाइट रहते हैं, वहाँ पे वो लोग मिले. कौन सी जगह पे, जोहान्सबर्ग में. वन ऑफ देम हैड अ परमिट टू वर्क इन द एरिया, द अदर डिड नॉट. अब क्या था, पहले जो व्हाइट्स वाला एरिया है उनमें सिर्फ व्हाइट पीपल रहते थे और ब्लैक्स वाले एरिया में ब्लैक पीपल. तो एक जो ब्लैक पीपल था उन दोनों में से, उनके पास परमिशन थी, क्या थी, उसके पास परमिशन थी कि वो व्हाइट एरिया में आके काम कर सकता है. बट जो दूसरा पर्सन था उसके पास वो परमिशन नहीं थी. दिस मेंट ही कुड बी पुट बिहाइंड बार्स फॉर ट्रेसपासिंग इनटू अ जोन रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल. अब जो दूसरा पर्सन था उसके पास अपना पास तो था नहीं, उसके पास परमिशन नहीं थी, तो क्या था, अगर उसे किसी ने पकड़ लिया वहां पे तो उसे जेल में भेज सकते थे क्योंकि उसके पास परमिशन नहीं थी. सडनली दे सॉ अ पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स देम. अचानक से उन दोनों ने क्या देखा कि एक पुलिसमैन उनके पास आ रहा है. दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे कुड नॉट मूव. अब क्या हुआ, वो लोग डर गए, पुलिसमैन को देखकर डर गए और वो लोग इधर उधर घूम भी नहीं पा रहे थे, वो एकदम डर के एक जगह पे खड़े हो गए. द मैन विद द परमिट सेड क्वाइटली टू हिज फ्रेंड, रन आई विल फॉलो. जिस इंसान के पास परमिशन थी उसने अपने फ्रेंड से, जिसके पास परमिशन नहीं थी उससे कहा कि तुम भागो और मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा. दे स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन शाउटिंग स्टॉप स्टॉप बिगेन टू रन आफ्टर देम. अब वो दोनों क्या हुआ, भागने लग गए और पुलिसमैन भी उनके पीछे भागने लग गया, स्टॉप स्टॉप यानी रुको रुको कहते हुए, चिल्लाते हुए. फाइनली ही कॉट द सेकंड मैन. उसने क्या किया, सेकंड मैन को जाके पकड़ लिया. किसने, पुलिसमैन ने सेकंड मैन को पकड़ लिया. डिड यू थिंक यू कुड रन फास्टर देन मी, ही स्नैप, शो मी योर परमिट. तो व्हाइट पुलिस, जो व्हाइट पुलिसमैन था उसने क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे ज्यादा तेज भाग सकते हो, चलो मुझे अपना परमिट दिखाओ, तुम्हारे पास परमिट है या नहीं. द मैन ट्राइंग टू गेट मोर टाइम बिगेन सर्चिंग इन हिज पॉकेट. तो जो सेकंड पर्सन था उसने क्या किया, अपने पॉकेट में सर्च करने में बहुत सारा टाइम लगाया. द मैन विदाउट द परमिट वॉज नाउ टू फार अवे टू बी कॉट. जो सेकंड पर्सन, उसके पास तो परमिट था, तो उसने क्या किया, एक्टिंग की कि उसे परमिट नहीं मिल रहा है. और जो फर्स्ट मैन था जिसके पास परमिट नहीं था, वो तब तक वहां से बहुत दूर भाग चुका था, अब उसे पकड़ना पॉसिबल नहीं था. व्हेन यू हैड अ परमिट व्हाई डिड यू रन, ही शाउटेड. नहीं, द पुलिसमैन वाज इन सरप्राइज, ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड. द मैन विदाउट द परमिट वॉज नाउ टू फार अवे टू बी कॉट. उसके बाद क्या हुआ, उस आदमी ने अपना परमिट दिखा दिया, तो जो पुलिसमैन था वो समझ गया कि उसे पागल बनाया गया है, उसके साथ ट्रिक की गई है, क्योंकि जो जिस आदमी को उसने पकड़ा उसके पास तो परमिट था और जिसके पास परमिट नहीं था वो बहुत दूर भाग चुका था. तो जो पुलिसमैन था, तो पुलिसमैन वॉज इन सरप्राइज, वो बिल्कुल शॉक था, सरप्राइज था कि उसे इन लोगों ने पागल बना दिया. व्हेन यू हैड अ परमिट व्हाई डिड यू रन, ही शाउटेड एंग्रीली. उस पुलिसमैन ने चिल्ला के बोला कि जब तुम्हारे पास परमिट था तो तुम भागे क्यों. डॉक्टर्स ऑर्डर सेड द मैन. उस मैन ने क्या बोला कि मुझे ऐसा डॉक्टर ने कहा है. क्या कहा है, ही हैज आस्क्ड मी टू रन अ माइल एवरी एवरी इवनिंग. उसने क्या बोला कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मुझे हर रोज 1 किलोमीटर भागना है. किसने बोला, ये सेकंड पर्सन ने जिसके पास परमिट था, उसने पुलिसमैन से बोला कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे डेली 1 किलोमीटर 1 मील तक रन करना है, इसलिए मैं भाग रहा था. ओ यस, स्नीर द पुलिसमैन. देन व्हाई वाज योर फ्रेंड रनिंग. तो पुलिसमैन ने बोला, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारा दोस्त क्यों भाग रहा था. हिज डॉक्टर टू हैज ऑर्डर्ड हिम टू रन, सेड द मैन. तो उस आदमी ने बोला कि उसके डॉक्टर ने भी उसे बोला है कि वो डेली 1 किलोमीटर भागे. द पुलिसमैन बिकेम रेड विद एंगर. अब पुलिसमैन को क्या हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बिल्कुल रेड हो गया. यू थिंक यू आर वेरी स्मार्ट,
far, don't you? He sneered. But tell me, if you were only running for your health, why didn't you stop when you saw me running after you? तो पुलिसमैन ने क्या बोला कि तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो, चलो मुझे ये बताओ कि तुम अपनी हेल्थ के लिए भाग रहे थे, पर जब तुमने देखा कि मैं भी तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ तो तुम क्यों नहीं रुके? एंड डोंट टेल मी यू डिडंट सी मी चेजिंग यू, आई नो यू डिड। और ऐसा मत कहना कि तुमने मुझे देखा ही नहीं तुम्हारे पीछे भागते हुए, तुमने देखा है मुझे तुम्हारे पीछे भागते हुए। ऑफ कोर्स आई न्यू यू वर रनिंग आफ्टर मी, सेड द मैन पोलाइटली। तो जो सेकंड मैन था उसने क्या बोला कि हाँ मैंने देखा कि आप हमारे पीछे भाग रहे थे, उसने बहुत प्यार से बोला कि हाँ मैंने देखा कि आप मेरे पीछे भाग रहे थे। देन व्हाई डिडंट यू स्टॉप, आस्क्ड द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन ने पूछा कि अच्छा तुमने जब देख लिया तो तुम रुके क्यों नहीं? इट वॉज स्टूपिड ऑफ मी, सेड द मैन। तो जो आदमी था उसने बोला कि मैं शायद पागल था, बट आई डिडंट रियलाइज दैट यू वर रनिंग आफ्टर मी। सर आई थॉट यू टू हैड बीन ऑर्डर्ड टू रन बाय अ डॉक्टर। यानी जो सेकंड मैन था उसने क्या बहाना बनाया कि सर मैं पागल था जो मुझे पता ही नहीं चला कि आप हमारे पीछे भाग रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि शायद आपके डॉक्टर ने भी आपको 1 किलोमीटर भागने को बोला है, आपको ऑर्डर दिया है। तो इसके साथ आपका चैप्टर 8 जो क्या है द 3 रनर्स वो कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो वीडियो के कमेंट्स में लिख सकता है ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट्स क्लियर करूँ। ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।